नाजरीन अवामी न्यूज में खबरें जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असि तंगवाणी में खबर दींदा हलूँ। तंगवाणी में शागिर्दानी कविता ओड वाले मामले जो हिंदू काउंसिल सदर रमेश कुमार पारा नोटिस वो वो है। मियाँ मिठू ए बेन से मुआदो थो उन मूजिब मजहब की तब्दीली गलत अमल है। नमस्ते, मैं आज आप सबके सामने मुखातब हूँ। डॉक्टर रमेश कुमार पैटर्न चीफ ऑफ हिंदू काउंसिल। थोड़ा सा एक चीज़ जो हाईलाइट की जा रही है, मैंने ज़रूरी समझा कि उस हवाले से आपको ब्रीफ करूं कि जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था मियां मिठू पीर अयूब जान सरहदी और मुफ्ती नईम के साथ, उसमें मैं अभी जो चार पांच जो रिसेंटली इशू हुए हैं, नंबर वन पे आते हैं कड़ियो गेवर का, जो जिन्होंने मुझे नहीं बताया है कि कड़ियो गेवर से लड़की गई थी, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था, मगर फिर भी अयूब जान सरहदी को मुझे बताना चाहिए था क्यों उसने नहीं बताया, उसके ऊपर भी मैंने एक्शन लिया है। और दूसरा है मियां मिठू का। मियां मिठू के पास दो भील लड़कियां आई थी कन्वर्ट होने के लिए, वो उन्होंने एक दिन दो दिन तीन दिन जो है वो उनकी मुलाकातें डॉक्टर शरतराम के घर में हमने कराई। एक लड़की जो जिसने कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, वो उन्होंने मुझे हैंडओवर की और मैंने भील कम्युनिटी को वापस दे दी। एक लड़की जो है वो अभी वहाँ पे बैठी हुई है। और उसके बाद एक लड़की आई है आरती, जो मेघवाड़ कम्युनिटी से है, उसकी भी मैंने मुलाकातें कराई हैं, मगर उसको कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था और वो मियाँ मिठा ने गलत किया है। और तीसरी लड़की है कविता, जिसकी बहुत बात की जा रही है, और वो भरचुंडी वाले ने की है, मियाँ मिठा ने नहीं की है। और आप उसके ऊपर एक्शन देखेंगे कि हो नहीं सकता कि 13-14 साल की बच्चों को इस तरीके से बीच में बिठा के हथकंडे मिला के और जो है वो कन्वर्ट किया जाए। चौथा है अपना हालानी का, और हालानी का मैटर भी जो है उसके ऊपर भी मैंने एक्शन लिया हुआ है। उसके अंदर हमारी हिंदू कम्युनिटी का भी एक बंदा इन्वॉल्व है और पुलिस वाला इन्वॉल्व है, और ऐसे नहीं हो सकता कि इस तरीके से बच्चियाँ कन्वर्ट हो। मैं उसके ऊपर एक्शन ले रहा हूं और आप जल्द देखेंगे और आपके सामने रिजल्ट सामने होगी कि ये नहीं हो सकता जो मुआहदा हुआ है। और वो मुआहदा जो मियां मिठा के साथ है, पीर अयूब जान सरहदी के साथ है, मुफ्ती नईम के साथ है, मगर उसको सारे कंप्लायंस करेंगे। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awaminewshd.com।